तो देखिएगा जो आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं वो आउट हुई हैं इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है। तो जिन बच्चों का सपना है एयरफोर्स में जाने का, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सोनम चौधरी फ्रॉम प्लूटस एकेडमी, एक बार फिर आपके सामने एक और नई वैकेंसी के साथ। तो देखिएगा जो आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं वो आउट हुई हैं इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है। तो जिन बच्चों का सपना है एयरफोर्स में जाने का, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं, ओके, और पा सकते हैं अपना सपना साकार करने का एक सुनहरा मौका, ठीक है। तो देखते हैं अभी आपकी जो वैकेंसी है उसके फॉर्म फिल करने की क्या डेट है और क्या आपकी लास्ट डेट है। तो देखिएगा बेटा, जो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं उसकी डेट आज से ही आपकी आउट हो चुकी है, यानी कि 1 दिसंबर 2023 आपके फॉर्म फिल करने की डेट है, राइट। एंड जो लास्ट डेट है वो है 30 दिसंबर 2023, यानी कि पूरा मंथ आपके पास बाकी है, आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आप लोग अपने डेट का ध्यान रखते हुए फॉर्म फिल करिएगा। लास्ट डेट आपकी फीस पे करने की जो रहेगी वो भी सेम रहेगी जो आपकी लास्ट फॉर्म फिल करने की डेट होगी, 30/12/2023। अगर हम बात करें एग्जाम डेट, वो भी आपकी इसमें क्लियर कर दी गई है कि एग्जाम डेट आपकी क्या रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम डेट होगी 16/18/5/2024, यानी कि 16 से 18 फरवरी 2024 में आपका एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड जो आपके अवेलेबल होंगे वो आपके बिफोर एग्जाम रहेंगे, ठीक है, यानी कि एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले अपडेट कर दिए जाएंगे। बात करें अगर हम आपके फीस की, तो आप देख सकते हैं इसमें जो आपका फीस चार्जेस दिया गया है 250 आपका चार्जेस रहेगा, ठीक है। एंड बाकी जो आपकी फीस का पेमेंट मोड होगा वो सभी मोड में अवेलेबल है। एंड बात करते हैं आपके एज लिमिट की, जो आपका एज लिमिट है वो रहेगा 1 जनवरी 2025 तक, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक जो आपका एज का लिमिट दिया गया है 20 to 25 years होना चाहिए, राइट, यानी कि 20 से 24 साल आपकी 2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। एंड बाकी आपकी जो एज रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू योर कास्ट देख सकते हैं। बाकी अगर आप देखना चाहें कि इसमें कितनी पोस्ट आपकी मांगी गई है, कितनी वैकेंसीज हैं आपकी, तो आप देख सकते हैं 327 आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं इसमें, जिसमें आपकी जो मेल की हैं एफकैट के लिए 28 रहेगा, फीमेल की 10 है, यानी कि 38 वैकेंसीज आपकी हैं। बाकी एफकैट ग्राउंड ड्यूटी के लिए अगर आप देखना चाहें 104 आपकी मेल्स की वैकेंसी हैं, फीमेल्स की 11, जिसमें टोटल 125 आपकी वैकेंसीज हैं। तो कुल मिलाकर जो आपकी वैकेंसीज हैं 327 हैं। तो सभी अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली चीज़ें देख सकते हैं। बाकी आप ध्यान रखें कि जो आपके फॉर्म फिल करने की डेट है वो 1 दिसंबर यानी कि आज से स्टार्ट हो चुकी है, और जो आपकी लास्ट डेट है वो है 30 दिसंबर, ठीक है। तो इन सभी को ध्यान रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट आप सभी कंप्लीट रखें और अपना फॉर्म फिल करें। लास्ट डेट का बिल्कुल भी मत लेके बैठिएगा एम कि मुझे लास्ट डेट में भी मैं फिल कर सकता हूँ। जैसे कि हर बात मैं आपके सामने बताती हूँ कि लास्ट टाइम पे सर्वर इश्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण आप अपना फॉर्म फिल टाइमली नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रहे, और आपको मैं एक आपके सपने को साकार करने का अच्छा एक और नया अपडेट देना चाहूँगी कि जो बच्चे इस सपने को साकार करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है प्लूटस एकेडमी में अपनी क्लासेस लेने का, जिनके लिए अभी एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 16 दिसंबर से। सो आप सभी ध्यान रखें और अपना बैच स्टार्ट होने के लिए अच्छे से डेमो क्लासेस लेंगे, जिसके लिए आपकी डेमो क्लास अरेंज हो रही है 11 and 12 दिसंबर को। सो कंटिन्यू जुड़े रहिए आप सभी प्लूटस एकेडमी के साथ हर एक नई नोटिफिकेशन को जानने के लिए।